हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निधि मोदी एंड वेलकम टू माय चैनल द रेसिपी जार। आज आपने बनाव्यू एकदम डिलिशियस और चॉकलेट एवो ओरियो फ्रिक्शेक। तो चलो शुरू करिए अपनी आजनी रेसिपी। ओरियो फ्रिक्शेक बनावा सौथी पहला मैं आ रीते डार्क और मिल्क चॉकलेट ने मेल्ट कर लीधी है। अँ मैं डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट बने प्रमाण अर्धू अर्धू लीधु है। जो तेरे एकली डार्क चॉकलेट अथवा तो एकली मिल्क चॉकलेट यूज करव हो तो कर सकता है। त्यारबाद फ्रिक्शेक बनावा आ रीतना जार यूज करवा है। त्यारबाद चार ने आ रीते चॉकलेट में ऊंधू करी अने चॉकलेट वड़े ऊपर थी कवर कर लईशू। तमे चार नी जगह ग्लासेसनो पण यूज कर सको छो, पण बेसिकली आ फ्रिक्शेक ए आ रीतना चार में ज बनावामां आवे छे। तमे जोई शको छो कि बिलकुल आ रीते तेने ऊपर थी चॉकलेट वड़े कवर कर लईशू। त्यारबाद मैं आ रीते स्प्रिंकल्स लीधा छे। अहीं तमे तमारी पासे जे पण स्प्रिंकल्स अवेलेबल होय तेनो यूज कर सको छो, अथवा तो तमे चॉकलेट चिप्सनो पण यूज कर सको छो। त्यारबाद चार ऊपर आ रीते स्प्रिंकल्स लगावी लईशू। जार ऊपर चॉकलेट सेट थाय ते पहेला तेना पर आ रीते स्प्रिंकल्स लगावी लेवाना छे। तमे आ रेसिपी तमारा किड्स साथे मळीने पण करी शको छो। तमारा किड्स ने आ रेसिपी करवामां खूब ज मजा आवशे। हवे आपणे मिल्कशेक रेडी करीए छीए, त्यां सुधी आ जार ने आपणे फ्रीज में सेट थवा मूकी दईशुं। त्यारबाद मैं आ रीते 4-5 कूप जेटलो होममेड चॉकलेट आइसक्रीम लीधो छे। हवे आ रीते एक मिक्सर जार लई लईशुं। त्यारबाद तेमां चॉकलेट आइसक्रीम एड करी देवानो छे। जो तमारी पासे वेनिला आइसक्रीम होय तो तमे ती पण लई शको छो। हवे तेमां एक कप दूध एड करी लईशुं। हवे तेमां एक टेबल स्पून जेटली चॉकलेट चिप्स एड करी लईशुं। त्यारबाद तेमां चॉकलेट सीरप एड करी लेवानी छे। हवे आ बधाने एकवार चन करी लईशुं। फ्रिक्शेक बेसिकली एक थीक मिल्कशेक छे। हवे आपणे तेने आ रीते एकवार चन करी लीधुं छे। त्यारबाद तेमां ओरियो बिस्किट एड करी दईशुं। अत्यारे मैं 7-8 ओरियो बिस्किट लीधा छे। हवे तेने फरीथी एकवार चन करी लईशुं। तो आपणो चॉकलेटी ओरियो मिल्कशेक बनीने रेडी छे। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ચાર પર ચોકલેટ અને સ્પ્રિંકલ્સ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયા છે। હવે તેમાં આપણે જે ચોકલેટ ઓરિયો મિલ્કશેક રેડી કર્યો છે તેને એડ કરી દઈશું। અહીં ચારને ઉપર સુધી નથી ભરવાનું, આ રીતે થોડુંક ખાલી રાખીશું। હવે ઉપરથી આ રીતે વિપક્રીમ વડે સ્વલ્સ બનાવી લઈશું। જો તમારે વિપક્રીમના એડ કરવું હોય તો તમે આઈસ્ક્રીમના સ્કૂપ્સ પણ એડ કરી શકો છો। હવે ઉપરથી થોડી ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આ રીતે ઓરિયો બિસ્કિટ વડે ગાર્નિશ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આ રીતે ચોકલેટ વોફલ મૂકી દઈશું। તો આપણો એકદમ ડિલિશિયસ એવો ચોકલેટ ઓરિયો ફ્રિક્શેક બનીને રેડી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસિપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। અને જો તમને મારી આજની આ રેસિપી ગમી હોય તો તેને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ફરી મળીએ એક નવી રેસિપી સાથે। ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ હેપી કુકિંગ।